नमस्कार प्यारे बच्चों, आपने सफ़ेद खरगोश के बारे में तो सुना ही होगा। सफ़ेद खरगोश कैसा होता है? बहुत ही प्यारा सा, उसके दो बड़े बड़े कान होते हैं, गुलाबी सा उसकी प्यारी प्यारी आँखें होती हैं। ठीक है, तो खरगोश जो कि बहुत ही अपनी चतुराई के कारण और बहुत तेज़ चलता है, इन खूबियों के कारण जाना जाता है। आइए एक खरगोश की एक प्यारी सी कहानी पढ़ते हैं इस पाठ के द्वारा। तो सारे बच्चे तैयार हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी इस कहानी का नाम है खरगोश की पूंछ। क्या नाम है हमारी इस कहानी का? खरगोश की पूंछ। सो बच्चों, जंगल में रहने वाले सभी पशुओं की पूंछ बहुत सुंदर थी। चुनमुन बंदर की पूंछ लंबी थी। चुनमुन की पूंछ कैसी थी? लंबी थी। चुटकी लोमड़ी की पूंछ भी लंबी थी, लंबी और घने बालों वाली थी। चंपक चीते की भी धारीदार लंबी व सुंदर पूंछ थी। बंकू खरगोश चाहता था कि उसकी पूंछ भी लंबी हो। तो खरगोश क्या चाहता था कि चीते की भी लंबी पूंछ है, ठीक है, बंदर की भी लंबी पूंछ है, लेकिन उसकी पूंछ कैसी थी? खरगोश की पूंछ कैसी होती है? छोटी सी होती है, तो उसको उस पूंछ में उसकी पूंछ उसको अच्छी नहीं लगती थी। तो आगे देखते हैं क्या करता है हमारा ये। सो बंकू कौन था? बंकू एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश था। उसके बहुत ही सुंदर रोए थे, सफ़ेद रोए, मतलब उसके सफ़ेद सफ़ेद अच्छे से प्यारे से बाल थे, ठीक है। उसके दो खूबसूरत लंबे कान थे, उसकी आंखें चमकदार थी, ठीक है। पर बंकू फिर भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे अपनी पूंछ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लगता है ना, कभी कभी हमें हमारी चीज़ें कुछ पसंद नहीं आती, हम चाहते हैं जैसा दूसरे के पास है वो भी हमारे पास हो, ठीक है। तो बंकू खरगोश भी यही चाहता था। तो अब देखते हैं क्या करता है बंकू खरगोश। अब चुन्नू कौवे ने चुनमुन बंदर से कहा। कौवे का नाम क्या है? चुन्नू। उसने किससे कहा? चुनमुन बंदर से कहा, चुनमुन चलो बंकू के लिए नई पूंछ का इंतज़ाम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यह बंदर और कौवे क्या करते हैं पूंछ लाने के लिए। चलो कहकर चुनमुन चुन्नू के साथ गांव की ओर चला गया। अब गांव में उन्हें एक रस्सी का टुकड़ा मिला। वे उसे उठाकर ले आए और उन्होंने बंकू की पूंछ में बांध दिया, क्योंकि पूंछ उससे क्या हो गई? लंबी हो गई। पहले छोटी सी पूंछ थी खरगोश की बंकू की, लेकिन जैसी रस्सी बांधी तो क्या हो गई? लंबी हो गई। हो गया खुश खरगोश। अब क्या हुआ? अब बंकू बहुत खुश था। अब उसके पास लंबी पूंछ थी, लंबी पूंछ जो थी। अब बंकू ने चुन्नू और चुनमुन को धन्यवाद कहा। किस लिए? क्योंकि उसकी पूंछ लंबी हो गई। वह अपनी लंबी पूंछ हिलाता हुआ जंगल में इधर उधर उछलने कूदने लगा। अब तो वो जो हमारा बंकू खरगोश था वो तो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पूंछ कैसी हो गई थी? पहले से अब वो लंबी हो गई थी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ओह, ये क्या हुआ? आगे देखते हैं हम लोग। जब जो बंकू था वो अपनी पूंछ इधर उधर पूंछ के साथ इधर उधर कूदता फांदता इधर उधर भाग रहा था, तभी क्या हुआ? ओह, ये क्या हुआ? मेरी पूंछ कहाँ फंस गई? बंकू ने दर्द से चीखते हुए पीछे देखा। बंकू की पूंछ झाड़ियों में उलझ गई थी। बंकू की पूंछ कहाँ चली गई? झाड़ियों में वो अटक गई, उलझ गई। वह क्या करे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह रोने लगा कि अब तो मेरी पूंछ फंस गई, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। वहीं पास में मिंटू चूहा रहता था। कौन रहता था? मिंटू चूहा रहता था। अब क्या हुआ? उसने बंकू के रोने की आवाज़ सुनी। वह बिल से बाहर आया और बंकू की पूंछ झाड़ियों में फंसी देख मिंटू चूहे ने रस्सी को कुतर दिया। उसने धीरे धीरे करके वो रस्सी काट दी। अब बंकू समझ गया कि उसकी छोटी पूंछ ही सबसे अच्छी है ना। बंकू को पहले नहीं समझ आया कि मेरी छोटी सी पूंछ है तो ये मेरे लिए अच्छी होती, क्योंकि तो जैसा जानवर है वैसे उसकी पूंछ है। तो भगवान ने हम सभी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी है, और जैसा हमें बनाया है वही हमारे लिए अच्छा है, और हमें उसी में खुश भी रहना चाहिए। तो आप सबको मज़ा आया इस कहानी में? चलिए तो बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ देखिए शब्दार्थ।
सबसे पहला देखिए खूबसूरत, इसका अर्थ होता है सुंदर। उलझ गई मतलब फंस गई। दर्द मतलब पीड़ा होना, पेन होना। फिर देखिए कुतर्दी मतलब काटना। आगे देखिए वर्तनी, जो कि पहले कैसे लिखा जाता था और अब इसमें क्या फर्क आया है। ठीक है, शब्द दोनों सही हैं लेकिन अब जो ज़्यादा उपयुक्त है वो देखिए। जैसे पहले हम प्रयोग करते थे म का, आधा म का, तो चंपत, तो अब हम सिर्फ अंकी बिंदी का ही प्रयोग करते हैं, चंपत। बंदर आधा ना है बंदर, पर अब हम सिर्फ डॉट से काम चला लेते हैं, अंकी बिंदी बंदर। मिंटू, इसमें आधा ना लगाया हुआ है मिंटू। फिर देखिए सुंदर, इसमें हमने आधा ना लगाया है। इंतज़ाम, इंतज़ाम, ठीक है, अभी कौन सा करेक्ट ज़्यादा है, इंतज़ाम वाला। फिर देखिए पसंद, इसमें भी आधा ना लगा सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, डॉट वाला यानी अंकी बिंदी वाला। फिर देखिए लंबी, लंबी में भी आधा म है, पर हम अब कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ बिंदी लगाकर, अंकी बिंदी लगाकर हम लंबी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो कि दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे कि उर्दू का शब्द है सफ़ेद, और इंतज़ाम भी उर्दू का शब्द है। फिर देखिए खूबसूरत, ये शब्द किसका है, ये उर्दू का नहीं है लगता था, लेकिन ये शब्द है फारसी भाषा का। ठीक है, चलो अब देखते हैं आप लोगों को ये कहानी कितनी समझ आई। तो पढ़ते हैं प्रश्न की ओर, सही उत्तर को आपको इसको निशान लगाना है। पहला देखिए क, चुनमुन बंदर की पूंछ कैसी थी। तो चुनमुन बंदर की पूंछ कैसी थी, लंबी थी। धारीदार पूंछ किसकी थी, तो किसकी पूंछ में धारियां बनी हुई थी, धारियां मतलब लाइंस बनी होना, तो वो किसकी थी, चीते की। अपनी पूंछ से कौन खुश नहीं था बच्चों, चुटकी, चंपत, बंकू या फिर ये सभी, तो सिर्फ किसको परेशानी थी अपनी पूंछ से, बंकू खरगोश को। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। चुनमुन और चुन्नू ने बंकू की पूंछ में क्या बांध दिया था, तो क्या बांध दिया था, रस्सी का एक टुकड़ा बांध दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो यह देखिए बंकू एक छोटा, बंकू कौन था, एक छोटा खरगोश था। ठीक है, कौन था वो, एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश था। तो आप यहां लिखोगे खरगोश था। फिर देखिए उसे अपनी पूंछ बिल्कुल पसंद थी या नहीं पसंद थी, बताइए, पसंद नहीं थी। फिर बंकू ने चुन्नू और चुनमुन को क्या किया, बंकू ने चुन्नू और चुनमुन को धन्यवाद किया। ठीक है, उसके बाद देखिए बंकू ने डैश से चीखते हुए पीछे देखा, तो क्या हुआ था बंकू को, दर्द से चीखते हुए पीछे की ओर उसने देखा था। फिर देखिए वहीं पास में मिंटू कौन रहता था, चूहा था, खरगोश था, मिंटू किसका नाम था, मिंटू चूहा रहता था। ठीक है, तो आपको अच्छे से कहानी समझ में आई, धन्यवाद।